हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन चैप्टर के इंपॉर्टेंट एम की मैं ट्राई करूँगा जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके एम कवर हो जाए और एम का लेवल होगा अकॉर्डिंग टू द सी बोर्ड सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर वन की ये क्वेश्चन पी है 2021 थाउजेंड में टर्म वन एग्ज़ाम एम बेस्ड एग्जाम हुआ था तो उससे मैंने ये क्वेश्चन लिया है सो इन द रिएक्शन हमें दिया ब्रोमोसाइक्लोहैगेन मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करें एक्स बन रहा है तो उसकी हाइड्रोलिस हाइड्रोलिस के बाद हमारा वाई बनेगा ठीक है तो सबसे पहले कंपाउंड बना लेते हैं ठीक है याद रखना अगर आप इसे रिएक्ट करते हो मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर के साथ ठीक है तो हमारा बन जाता है ग्रिग्नॉड रिएजेंट तो हम ऐसे लिखेंगे तो बीच में आ जाएगा हमारा एम ठीक है तो हमारा क्या बन गया रिएजेंट अब रिएजेंट में याद रखना कि जो मैग्नीशियम होता है इस पर क्या आ जाता है क्योंकि ये मेटल होता है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है इसके साथ वाले कार्बन पे आ जाता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज ठीक है अब हमारे पास क्या है वाटर है एच टू ओ इसके हाइड्रोजन पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा अब क्या वो करेगा जो कार्बन होगा वो क्या करेगा इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा सो so हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एम जी बी आर के साथ क्या लग जाएगा ओ OH एच जुड़ जाएगा ठीक है तो इस एम जी बी आर की जगह हाइड्रोजन आ गया और ये हमारा कंपाउंड बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन ठीक है साइक्लोहेक्सेन हमारा कंपाउंड बन गया हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की ये याद रखना एनसीआरटी का क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कम्पाउंड विल गिव रेसिमिक मिक्सर और न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन बाई ओ एच नेगेटिव आइन याद रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन से हमें क्या चाहिए रेसिमिक मिक्सचर और रेसमिक मिक्सर हमें बनता है एस एन वन मकैनिज्म से ठीक है और आप वही एल्काइल हेल्ड बना सकते हैं जिसमें हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच है ठीक है तो हेलोजन शुड बी अटैच टू द कार्बन और वो कार्बन क्या होना चाहिए कायरल होना चाहिए कभी तो हमारा क्या बनेगा रेसमिक मिक्सचर बनेगा ठीक है तो यहाँ पे Br है ये अटैच है इस कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ CH3CH2CH5 ग्रुप चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है तो ये वाला कायरल क्या हो जाएगा कार्बन हमारा कायरल होगा ठीक है तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो रेसमिक मिक्सचर बना सकता है सेकंड वाले कंपाउंड को देखेंगे Br इस कार्बन के साथ अटैच है इस कार्बन पे दो ग्रुप क्या हमारे सेम है तो ये कंपाउंड कायरल नहीं हो सकता कायरल मतलब कि इट शुड हैव फोर डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स तो ये भी हमारा नहीं बनाएगा रेसिविंग मिक्सचर थर्ड कंपाउंड को देखेंगे थर्ड कंपाउंड में क्या है बी आर जिस कार्बन पे अटैच है इसमें दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये कंपाउंड भी कायरल नहीं है तो फर्स्ट वाला कंपाउंड हमारा रिएक्शन दे सकता है अगर हम रिएक्शन को लिखें तो ऐसे दिखेगा सी एच थ्री सी एच बी आर सी टू एच फाइव ठीक है इस कंपाउंड में सबसे पहले क्या होता है हमारा स्लो स्टेप होता है जो स्लो स्टेप होता है उसमें क्या हो जाएगा हेलोजन रिमूव हो जाएगा हमारा कार्बोकोटाइन और कार्बोकोटाइन हम ऐसे लिखेंगे ठीक है ट्राइगोनल प्लेनर शेप क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी एस अब क्या हो सकता है सेकेंड स्टेप क्या होता है फास्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल ना दोनों तरफ से अटैक कर सकता है लेफ्ट साइड से भी कर सकता है राइट साइड से भी कर सकता है हमारे दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं ओ एच दो तरफ से अटैक कर सकते हैं तो हमारे दो तरह के कंपाउंड बन सकते हैं एक बन सकता है सी एच सी एच थ्री ओ एच सी टू एच फाइव और दूसरा बन सकता है सी एच सी एच थ्री ओ एच एंड सी टू एच फाइव ठीक है तो ओ एच क्या कर सकता है दोनों तरफ से अटैक कर सकता है तो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे विच आर नॉन सुपर इम्पोसिबल सो दो हमारे क्या बन जाएंगे एन बन जाएंगे और अगर इन हमारा इक्वल कंसेंट्रेशन में है फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट वो एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देंगे याद रखना इन एनश्यूमर्स में क्या होता है दे बोथ विल रोटेट लाइट इन द डिफरेंट डायरेक्शन ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देंगे और बना देंगे हमारा रेसमिक मिक्सचर तो इसका जो ऑप्शन ए था दैट वॉज द करेक्ट आंसर तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की ये क्वेश्चन है टर्म का इनश्यूमर्स डिफर ओनली इन याद रखना अभी अभी हमने पढ़ा था इन एनश्यूमर्स क्या करते हैं ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट और अगर हम इनकी बाकी प्रॉपर्टीज की बात करें जैसे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है इन सब की सेम होती है बट इनका सिर्फ डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेंट टू इन इस ठीक है हमें एक रिएक्शन पूछा हुआ है दिस रिएक्शन इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बी है फॉलो जेड सेफ रूल सी है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन और डी है डी रिएक्शन हमें ए बी सी डी दिया हुआ है सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच बी आर सी एच थ्री ठीक है ये हमारा क्या है टू ब्रोमो पेंटेन अगर हमें एलिमिनेशन करना है तो हम यूज कर सकते हैं इसके साथ एल्कोहलिक के ओ एच ठीक है एल्कोहलिक के ओ एच यूज करेंगे अब याद रखना इस रिएक्शन में क्या होता है जो अल्फा कार्बन है जो कार्बन बी आर के साथ जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन है उसमें से बी आर रिमूव हो जाएगा और जो बीटा कार्बन है उसमें से क्या होता है हाइड्रोजन रिमूव होता है सो so, इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं ठीक है अब क्या होगा दो तरह के कंपाउंड बन सकते हैं या तो फर्स्ट वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा या सेकंड वाले अगर फर्स्ट वाले से रिमूव होगा तो हमारा बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री हमारा बन सकता है पेंट टू इन अगर हमने सेकेंड वाले से रिमूव किया हमारा बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू हमारा बन जाएगा पेंट वन इन और साथ में हमारा क्या रिमूव हो जाता है एक हाइड्रोजन और बी आर तो हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहा है सो तो इस रिएक्शन को हम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन तो ये बीटा एलिमिनेशन हो गया डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन अब याद रखना इसमें जो पेंट टू इन है वो ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में बनता है और उसमें हम फॉलो करते हैं जेड सेफ रूल तो ये सेफ रूल भी फॉलो होता है इसमें अगर आप देखोगे डबल बॉन्डेड कार्बन फर्स्ट वाले में पेंट टू इन में उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप क्या है अटैच है ठीक है दो अल्काइल ग्रुप अटैच है तो ये ज़्यादा स्टेबल है और सेकेंड वाले पेंट वन इन में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है ठीक है तो इसमें याद रखना ए बी सी तीनों करेक्ट है और अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन की तो इसमें कोई वाटर रिमूव नहीं होता तो डी ऑप्शन क्या फॉल्स है तो ए बी सी वाला हमारा ऑप्शन ए है जिसमें ए बी सी तीनों प्रेजेंट है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की क्वेश्चन है टर्म का विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ पेंटेन हमें पेंटेन दिया हुआ है उसके तीन आइसोमर्स ऑप्शन में दिए एक है न्यू पेंटेन एन पेंटेन एंड आइसो पेंटेन हमें पूछा है कि विच विल गिव थ्री आइसोमेरिक तीन आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन अगर आपने फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन मीन आपने क्लोरिड ऐड किया है इन प्लेजेंस ऑफ सनलाइट और सिर्फ आपने क्या किया है मोनोक्लोराइड मतलब कि एक क्लोरीन एटम आपने क्या किया है सब्सटीट्यूट किया इन ऑफ हाइड्रोजन तो कितने उसके आइसोमर्स बन सकते हैं सपोज पहला वाला कंपाउंड है अगर आपने क्लोरीन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और सिर्फ एक ही क्लोरीन को आप हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कर सकते हो तो आपका बनेगा सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एल तो हमारा सिर्फ एक ही कंपाउंड बन सकता है आप कोई भी एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड करोगे तो आपका हमेशा एक ही कंपाउंड बनेगा तो ये तीन आइसोमर्स नहीं दे सकता तो ऑप्शन ए रॉन्ग है सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे हम क्लोरीन ऐड एड कर सकते हैं यूवी लाइट में और हम क्या करेंगे ट्राई करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने की पहले में क्या करते हैं हम बनाएंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एल हमने पहले वाले कार, कार्बन के क्या किया हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड कर दिया अब हम क्या कर सकते हैं दूसरा कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे सेकेंड वाले कार्बन के साथ जोडेंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच सी एल थ्री सेकेंड वाले कार्बन पे हमने क्या किया क्लोरीन ऐड किया ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं थर्ड कार्बन के साथ भी क्लोरीन ऐड कर सकते हैं हम बनाएंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एल सी एच सी एल सी एच टू सी एच थ्री तो थर्ड वाला जो कंपाउंड है जो हमारा एंड पेंटेन है इसमें क्या हो सकता है फर्स्ट कार्बन पे आप एक बना सकते हो अगर आपने एक क्लोरीन सेकेंड कार्बन का एक कंपाउंड बन सकता है थर्ड कार्बन पे तो हमारे तीन क्या बन सकते हैं आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स बन सकते हैं तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की रेसिमाइजेशन अकर तो याद रखना हमेशा जब हम एस एन वन रिएक्शन लेते हैं सपोज आपके पास क्या है ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव क्या आपके पास एल्काइल हेलाइट ठीक है आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव एलकाइल हेलाइट है अगर आप क्या कर रहे हो एस एन वन रिएक्शन कर रहे हो तो आप क्या बनता है इक्वल कंसेंट्रेशन आपका इन बनता है ठीक है और इनैंशुमर्स की जब इक्वल कंसेंट्रेशन हो तो हमारा बन जाता है मिक्सचर ठीक है तो याद रखना रेजिमाइजेशन होता है हमारा एस एन वन रिएक्शन में और याद रखना एनश्यूमर क्या होते हैं एक हमारा होता है डेक्सो रोटेट्री एक लीवर रोटेट्री वो एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर सकता है तो इसे बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर बट अगर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव एलकाइल हिलाइड है और आप क्या कर रहे हो एस एन टू रिएक्शन कर रहे हो तो याद रखना इसमें होता है हमारा इनवर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन ठीक है इनवर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन का मतलब क्या सपोज हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था डेक्सरोट्री तो अगर हम एस एन टू रिएक्शन करते तो वो बन जाता हमारा प्रोडक्ट ठीक है तो एस एन वन में याद रखना रेसिमाइजेशन होता है और एस एन टू में इन्वर्शन ऑफ कन्फीग्रेशन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन की एनसीआर एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एजर्शन दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलकाइल हेलाइट डिक्रीज इन दर्डर आर आई आर बी आर आर सी एल एन आर तो याद रखना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है साइज ऑफ हेलोजन के तो जितना बड़ा साइज होता है उतना ज़्यादा क्या होता है वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जितना ज़्यादा वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना बॉलिंग पॉइंट क्या होता है ज़्यादा होता है तो आर आई का साइज ज़्यादा होता है आर एफ से ये इंक्रीजिंग और ये हमारा क्या दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज दिया तो आई का साइज बड़ा होता है उसकी वजह से उसमें वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो आर आई का बॉलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दिया हुआ है रीजन का स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास तो इसमें क्या दिया हुआ है जैसे हमारे पास है आर एक्स एलकाइल हेलाइड है ठीक है अगर हम हाइड्रोकार्बन कंपेयर करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है ठीक है तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर आर एक्स की बात करें तो एल्काइल हेलाइट की आर पे डेल्टा पॉजिटिव होता है और हेलोजन पे डेल्टा नेगेटिव होता है ठीक है तो ये क्या बनाते हैं हमारा डाइपोल बनाते हैं तो एक आर एक्स दूसरे आर एक्स के साथ क्या कर सकता है इंटरेक्शन कर सकता है क्योंकि एक्स पे नेगेटिव आर पे पॉजिटिव तो ये जो इंटरेक्शन होती है इसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो एलकाइल लाइट खुद के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं डायपोल डाइपोल इंटरेक्शन से सो एज ए रिजल्ट उनका हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास से ज्यादा क्या हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट होता है तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट जो रीजन है एजर्शन का प्रॉपर ये रीजन नहीं था तो इसका ऑप्शन नंबर फाइव करेक्ट है वे एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था साइज बढ़ने से वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर एट की एन सी आर टी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ टॉलीन विथ क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन एबसेंस ऑफ लाइट यील्ड सपोज हमें क्या दिया हुआ है टॉलिन दिया हुआ है ठीक है हम इसे क्या कर रहे हैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और याद रखना हम आयरन ले रहे हैं एज ए कैटलिस्ट और ये एबसेंस ऑफ लाइट में कर रहे हैं तो ये जो क्लोरीन है याद रखना ये हमारा बनाता है सी एल प्लस विच इट्स इलेक्ट्रोफाइल तो ये इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकुशन रिएक्शन होती है जब हमारे पास एबसेंस ऑफ लाइट है तो क्लोरीन याद रखना क्या करेगा जो टॉलिन है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है तो क्लोरीन कैन गेट अटैच टू या तो ये अटैच हो जाएगा हमारा ऑर्थो पोजिशन पे और इट विल गेट अटैच टू द पैरा पोजिशन ठीक है तो एज ए रिजल्ट क्या बन जाता है हमारे दो कंपाउंड बन जाएंगे ऑप्शन ए हमारा क्या है रॉन्ग है तो बी सी दोनों करेक्ट है तो मिक्सचर ऑफ बी एंड सी विल बी फॉर्म तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर नाइन की द कन्वर्शन ऑफ एन एलकाइलोहल बाई एक्स एन एच सपोज आपके पास क्या एलकाइल है और हम क्या कर रहे हैं इसको एनएक्स एन ओ एच के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जाता है याद रखना आर ओ एच प्लस एन ए एक्स तो कौन सी ये रिएक्शन है तो इसमें क्या हो रहा है याद रखना जो एक न्यूक्लियोफाइल है जो ओ एच नेगेटिव है वो क्या कर रहा है हेलाइड आयन को क्या कर रहा है इसको रिप्लेस कर रहा है तो ये हमारी हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो हमें जो बी ऑप्शन है इट इज ए सब्सिट्यूशन रिएक्शन तो इसमें ओ OH एच क्या कर रहा है एक्स को सब्सिट्यूट कर रहा है तो इट इज़ ए सब्सिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर टेन की द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलिंग एल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड इज एनसीआर टी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है ठीक है फॉलोइंग एल्कोहल दिए हुए हमें ए दिया हुआ है हमें प्राइमरी एल्कोहल विच इज प्रोपेनॉल सेकेंड हमें दिया हुआ है सेकेंडरी एल्कोहल और थर्ड हमें क्या Tertiary alcohol दिया हुआ है टर्शरी एल्कोहल दिया हुआ है और हमें पूछा है कि इनकी रिएक्टिविटी विद हेलोजन एसिड क्या होगी तो याद रखना सबसे ज्यादा टर्सरी एल्कोहल की होती है देन सेकेंडरी एल्कोहल की देन प्राइमरी एल्कोहल ऐसा क्यों होता है ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो टर्स ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है तो उसमें रिएक्शन क्या होता है फास्टर होता है देन सेकेंडरी देन

कार्बन के साथ दो क्लोरीन और दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसे बोलते हैं डाईक्लोरोन और विसनल डाइहलाइड ये नहीं है सेकंड दिया वन टू डाइक्लोरोन तो हम लिखेंगे सी एच टू सी एच टू और दोनों के साथ क्या है सी एल जुड़ा हुआ है तो ये हुआ है हमारा वन टू डाईक्लोरोथेन जो है दैट इज विस्नल डाइहलाइड बाकी कंपाउंड भी देख लेते हैं हमें दिया हुआ इथाइलीडीन क्लोराइड इथाइलीडीन क्लोराइड क्या होता है अगर हमारे पास है सपोज सी एच थ्री ठीक है और एक कार्बन पे क्या होगा दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं ठीक है तो इसे हम जेम डाई हेलाइड भी कहते हैं और जेमिनल डाई हेलाइट अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं थर्ड वाला और एलाइल क्लोराइड क्या होता है सपोज हमारे पास डबल बॉन्ड है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच उसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन पे क्या हेलोजन है? अटैच है तो इसे बोलेंगे एलाइल क्लोराइड तो कार्बन क्या है जो कार्बन हेलोजन के साथ अटैच है वो तो sp3 है बट उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज है ठीक है तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की ये एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है हमें एजर्शन दिया हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो वुड्स रिएक्शन टू गिव 2 टू 33 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन तो सबसे पहले अगर हमारे पास क्या टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है हम लिखेंगे CH3 सी सी एच थ्री सी एच थ्री बी आर हम इसमें क्या करें वुड्स रिएक्शन कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और फिर से हम ले सकते हैं बी आर सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री तो दो मॉलिक्यूल्स को अब याद रखना टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हम लेंगे और ये क्या करते हैं आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारा एन ए बी आर क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा एंड आपस में कंबाइन करेगा हमारा बनेगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री

तो ये क्या कर रहा है आपस में कंबाइन करके हमारे डबल नंबर ऑफ तो हमारे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं डबल हो रहे हैं जितने एलकाइल हेलाइट में प्रेजेंट थे तो रीजन भी हमारा करेक्ट है और एजर्शन का ये जो रीजन है दैट इज ऑल्सो करेक्ट तो इसका ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट वे एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ये पी क्वेश्चन है टर्म वन टू थाउजेंड का मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन हमें टर्श्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है और साथ में सोडियम मिथॉक्साइड दिया हुआ है हमें पूछा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सपोज हमें दिया एन ए ओ सी एच थ्री प्लस सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री बी आर टर्श्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है अब याद रखना यहाँ पे क्या होता है सोडियम पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये नॉर्मली विलियमसन रिएक्शन जैसा दिखता है बट विलियमसन रिएक्शन में क्या होना चाहिए एल्काइल हैलाइट जो होना चाहिए विलियमसन में हम ईथर बनाते हैं और एल्काइल हेलाइट चाहिए हमें क्या प्राइमरी बट अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे आपके पास क्या टर्शरी एल्काइल हेलाइट है ठीक है सो so, इसमें हमारा ईथर की जगह क्या बनता है हमारा एल्कीन बन जाता है इसमें क्या होता है जो सी एस थ्री ओ नेगेटिव है वो क्या करता है इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग विथ कार्बन क्योंकि यहाँ पे क्या हर जगह इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है सी एस थ्री सी एच थ्री सी एस थ्री एन बी आर वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा जो ऑक्सीजन होता है सी एच थ्री का वो किसी सी एच थ्री से क्या करता है हाइड्रोजन एक्सैक्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता है ये एज ए बेस काम करता है ठीक है तो यहाँ पे सी एच थ्री ओ विल एक्ट एज ए बेस क्योंकि यहाँ पे टर्शरी एल्काइल हेलाइट है ये कंबाइन करके बनाता है हाइड्रोजन के साथ सी एच थ्री ओ एच और बी आर जो है वो सोडियम के साथ कंबाइन करके बनाता है एन ए बी आर ठीक है तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया यहाँ से बियर हो गया तो ये बीटा एलिमिनेशन है और हमारा बन जाता है सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू तो हमारा क्या बन जाता है एल्कीन बन जाता है ठीक है तो कभी भी अगर आपके पास एल्काइल है क्या लिया हुआ है आपने टर्शी लिया हुआ है या सेकेंडरी लिया हुआ है तो हमारा क्या बनता है एल्कीन बन जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की द आयोपैक नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज़ ठीक है हमें कंपाउंड दिया हुआ है इसका हमें आयोबैक नेम बताना है सबसे पहले ये है, है और हम हमेशा याद रखना नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड को क्या हो लेस नंबर हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस है यहाँ पे तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ पे वन टू थ्री ठीक है हमने ये नंबरिंग कर दी अब हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे सबसे पहले जो आउटसाइड द चेन है उसे सब्सिट्रेंट कहते हैं और इनका नाम हम पहले लिखते हैं एल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो पहले आ जाएगा हमारा थ्री प्रोमो ठीक है थर्ड पोजीशन पे बी आर है वन पे क्लोरो है तो वन क्लोरो ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लिखेंगे साइक्लो हेक्स सिक्स कार्बन है और डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो तो इसका जो ऑप्शन सी है थ्री ब्रोमो वन क्लोरो साइक्लो हैक्स इन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन ये एनसीआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनालिन लिया हुआ है एन ए एन ओ टू एस एल के साथ रिएक्ट किया टू सेवेंटी थ्री टू टू सेवेंटी एट कैलविन में हमारा बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हमने लिया हुआ है यहाँ पे सी यू टू सी एल टू तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को सी यू टू सी एल टू के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो हमारा बन जाता है क्लोरोबेंजीन प्लस एन टू ठीक है सिमिलरली अगर आपने लिया होता है सी यू टू बी आर टू तो आपका बन जाता है यहाँ पे ब्रोमोबेनजीन प्लस नाइट्रोजन गैस इज रिलीज तो ये सैंड में रिएक्शन है तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि हमने लिया था सी यू टू सी एल टू तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विथ क्लोरिन इन प्रेजेंस ऑफ एफ ई सी एल थ्री ग्रीफ एक्स सबसे पहले हम इस रिएक्शन की बात करते हैं हमें क्या दिया हुआ है टॉलिन दिया हुआ है ठीक है हमने इसको रिएक्ट किया है क्लोरिन और हमारा कैटलिस्ट होता है FeCl3 याद रखना ये क्या होता है लुइस एसिड होता है एफ और इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होता है सो एज ए रिजल्ट क्या होता है सी टू में से जो सी एल नेगेटिव है वो एफ ई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और हमारा बन जाता है एफ ई सी एल फोर नेगेटिव और यहाँ पे बनता है हमारा सी एल प्लस इलेक्ट्रोफाइ तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है क्योंकि याद रखना जो सी एच थ्री है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो सी एल हमारा अटैच हो जाता है यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे या ये अटैच हो जाता है हमारा पे ठीक है ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है सेकेंड रिएक्शन दिया हुआ है वाइल्ड द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विथ क्लोरिन ठीक है हमने फिर से क्या लिया है टॉलिन लिया हुआ है अब हमने इसको फिर से रिएक्ट किया है क्लोरीन के साथ बट अब हमने कंडीशन चेंज कर दिया अब हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे दे हैव टेकन द लाइट और सन तो इसमें क्या होता है फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ये क्या है एक तरह की सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जितने भी हाइड्रोजन है उसको क्लोरीन क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा और सब्सिट्यूट कर देगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ठीक है सी सी एल थ्री और साथ में हमारा रिलीज हो जाएगा थ्राइस ऑफ एच सी एल ठीक है तो हमारा बन जाएगा ट्राई बेंजीन तो हमारा स्टार्टिंग में क्या बना अगर हमने सिर्फ लिया हुआ एफ -E तो क्लोरीन के साथ हमारा बनता है और तो एन पैरा क्लोरोटोलिन और अगर हमने सी एल टू लिया इन प्लेस ऑफ सनलाइट हमारा बन जाएगा बेंजीन तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर की अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एनसीआरटी एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है ठीक है हमें तीन कंपाउंड दिए हुए हैं हमें उसको बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम ठीक है जितने ज़्यादा कार्बन आइटम होते हैं उसमें उतना ही क्या ज्यादा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है अगर हम ये सारे कंपाउंड्स देखें कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने वन टू थ्री फोर सब में नंबर ऑफ कार्बन क्या है सेम है ठीक है अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो अब हम देखते हैं ब्रांचिंग तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है हमारा सरफेस एरिया ठीक है सरफेस एरिया क्या होता है डिक्रीज होता है और सरफेस एरिया डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है डिक्रीज होता है ठीक है तो अगर हम बात करेंगे इन तीनों में जो बी वाला कंपाउंड है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो इसका सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट होगा ठीक है क्योंकि इसमें क्या है ब्रांचिंग सबसे कम है फिर हम ए कंपाउंड को देखेंगे इसमें थोड़ी ब्रांचिंग है इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर इससे कम होगा बी से और सबसे ज़्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट सी का होगा क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है टर्श्री कार्बन है और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है ब्रांचिंग है ठीक है तो इसका जो ऑप्शन है सी ए बी तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर एटीन की याद रखना पी वाई क्यू क्वेश्चन है टर्म वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में क्वेश्चन आया था सबसे पहले दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगलाइट केंटेन कार्बन हेलोजन बॉन्ड और कार्बन होना चाहिए एसपी टू सबकी एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले दिया है, एलआइल हेलाइड हम ऐसे लिख सकते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एल ठीक है तो एलआईल हेलाइड में क्या होता है जो हेलोजन अटैच होता है कार्बन के साथ वो तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइज होता है बट नेक्स्ट कार्बन क्या होता है हमारा एस पी टू हाइब्रिडाइज होता है ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे एलकाइल हेलाइड इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे हमारे पास क्या है सी एच थ्री है इसके साथ सी एल अटैच है तो कार्बन क्या होता है एस पी थ्री हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं सिमिलरली बेंजल डिहाइड की बात करेंगे बेंजीन रिंग होगा इसमें ठीक है साथ में सपोज हमारे पास है सी एच टू सी एल तो हेलोजन अटैच होगा उस कार्बन के साथ जो क्या होता है एस पी थ्री और लास्ट में हमारा है, है जैसे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल ठीक है तो इसमें क्या होता है जो हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो कार्बन क्या होता है एस पी टू हाइब्रिडाइज उसमें क्या होता है डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमें सबसे पहले दिया वन टू डाईक्लोरोबेंसीन ठीक है तो क्लोरीन प्रेजेंट है वन टू पोजिशन में इसे हम बोलते हैं ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन ठीक है फिर दिया वन थ्री डाई क्लोरोबेंसीन तो ये हमारा क्या होता है मेटा पोजिशन वन थ्री पोजिशन पर क्लोरीन प्रेजेंट है और हमें दिया हुआ है वन फोर डाई क्लोरोबेंसीन वन फोर डाइक्लोरो बेंजीन होता है हमारा पैरा पोजिशन अब याद रखना सॉलिड्स में क्या होता है जो हमारे सपोज ये जो हमारा मॉलिक्यूल होता है ये अपने आप को एक क्रिस्टलाइन लेटिस में अपने आप को अरेंज करता है एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज करता है और जितना ज़्यादा जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है वो उतना ईजिली अपने आप को अरेंज कर सकता है और अगर हम तीनों में देखेंगे जो ये पैरा वाला होता है पैरा मतलब वन फोर डाइक्लोरोजी सबसे ज़्यादा क्या होता है सिमेट्रिकल होता है तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइन लैटिस में इजिली ये क्या कर सकता है अरेंज कर सकता है एज ए रिजल्ट सबसे क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाइएस्ट होता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी वन फोर डाइक्लोरोन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की एजर्शन दिया हुआ है एराइल हेलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिकब्शन रिएक्शन विद ईस एजर्शन हमें रॉन्ग दिया हुआ है सपोज आपके पास एराइल हेलाइड है ठीक है एक्स ठीक है अब हेलोजन पे क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो लोन पेयर वो क्या कर सकता है बेंजीन रिंग की तरफ बेच सकता है प्लस आर इफेक्ट शो कर सकता है सो एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है जो हैलोजन है और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है इसे बोलते हैं पार्शल डबल बॉन्ड पार्शल डबल बॉन्ड आ जाता है और पार्शल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है डिफिकल्ट होता है तो एक न्यूक्लियोफाइल जो है जैसे हेलोजन है इसको रिप्लेस करना दूसरे न्यूक्लियो से क्या हो जाता है डिफिकल्ट हो जाता है तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज जो था वो क्या था हमारा रॉन्ग था दैट एराइल हेलाइट अंडरगो न्यूक्लियो फिलिक्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विद ईज तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है रीजन की बात करेंगे द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एराइल हेलाइट हैज़ ए पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर तो पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है तो रीजन का जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट मतलब एजर्शन रॉन्ग है रीजन हमारा क्या है करेक्ट है तो इसका जो डी ऑप्शन एजर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की एनसीआरटी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है विच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसीमेट्रिक कौन से कार्बन यहाँ पे एसीमेट्रिक है एसीमेट्रिक के लिए याद रखना जो कार्बन होता है उसे हम कायरल कार्बन भी कहते हैं सो so, वो कार्बन शुड अटैच टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स तो चार डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स के साथ क्या होना चाहिए वो अटैच होना चाहिए ठीक है फर्स्ट कार्बन को देखेंगे उसमें याद रखना क्या है इस कार्बन के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो इसके साथ सिर्फ तीन ही एट, एटम अटैच है तो ये कायल नहीं है ठीक है सेकेंड कार्बन को देखेंगे तो इसके साथ चार डिफरेंट आइटम्स तो या ग्रुप अटैच है एक तरफ ओ OH एच है एक तरफ एच है एक तरफ हमारे पास ये ग्रुप है सी ओ एच और एक तरफ ये पूरा ग्रुप प्रेजेंट है जो चार डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स तो हमारा कार्बन नंबर बी क्या हमारा है हमारा कायरल है सी कार्बन को देखेंगे एक तरफ एच अटैच एक तरफ ओ एच एक तरफ सी एच ओ एल डी हाइड और एक तरफ ये पूरा ग्रुप अटैच है तो कार्बन नंबर जो सी है वो भी क्या है हमारा कायरल है कार्बन नंबर डी को देखेंगे यहाँ पे क्या है तो उसके साथ सिर्फ तीन आइटम अटैच है तो हमारा कार्बन नंबर बी एंड सी क्या है कायरल है उनके तो साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स और एटम अटैच है तो इसका ऑप्शन नंबर बी वेर बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकंड की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड पी वाई क्यू क्वेश्चन है टर्म वन टू थाउज ट्वेंटी का तीन कंपाउंड है हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एस एन टू रिएक्शन और हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखना तीन कंपाउंड दिए हुए हैं और हमें एस एन टू रिएक्शन दिया एस एन टू रिएक्शन याद रखना इसमें हम चेक करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस ठीक है जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है उतना कम क्या होता है रिएक्टिविटी होता है तो टर्शरी सबसे कम रिएक्टिव होते हैं देन सेकेंडरी देन प्राइमरी प्राइमरी क्या होते हैं? सबसे ज्यादा क्या होते हैं रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द एसेंड टू रिएक्शन तो इन तीनों में अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा तो हमारा होगा सेकेंड वाला कंपाउंड ठीक है सेकेंड वाले कंपाउंड में हमारे पास क्या है साइक्लोहेक्सेन के साथ सी एस टू सी एल जुड़ा हुआ है अगर हम इस सी एच टू की बात करेंगे ये कौन सा कार्बन हो जाता है हमारा प्राइमरी कार्बन ठीक है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है इसलिए होता है और इस कार्बन को देखेंगे तो एक ही ग्रुप के साथ अटैच है तो ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा रिएक्टिव होगा नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा कंपाउंड नंबर वन जो है हमारा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ठीक है इसमें अगर आप देखोगे जिस जो क्लोरीन है वो उस कार्बन के साथ अटैच है और वो कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है तो पहले वाला तो प्राइमरी था उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजी होगा इसमें जो कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है वो दो कार्बन के साथ ये सेकेंडरी है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है ठीक है यहाँ पे आ जाएगा हमारा वन और सबसे कम रिएक्टिव क्या होगा हमारा क्लोरोबेंसीन ठीक है जो क्लोरोबेंजीन है इसमें हमने पढ़ा है कि क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये शो कर सकता है रेजोनेंस और रेजोनेंस की वजह से इसमें आ जाएगा पार्शल डबल बॉन्ड पार्शल डबल बॉन्ड होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ईजिली नहीं दे सकता तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है तो हो जाएगा हमारा सेकेंड वन थ्री तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड की फोर इज ए कॉमन नेम फॉर ठीक है फोर का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए हमारा बनता है सी एल C -C ठीक है तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है तो इसे हम कार्बोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं ठीक है तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है कार्बोनाइल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है पीवाई क्यू है टर्म वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का एजॉर्शन दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ठीक है तो क्लोरोबेंजीन ये अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है वो क्या होता है लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्योंकि इसमें क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं बेंजीन के साथ रेजोनेंस और एज ए रिजल्ट क्या आ जाता है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड ठीक है पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है लेस रिएक्टिव तो ये जो हमारी ऑप्शन थी जो एजर्शन था दैट इज करेक्ट रीजन की बात करेंगे हमें दिया हुआ है नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सपोज क्लोरोबेंजीन में आपने क्या किया आपने एनओ टू ग्रुप अटैच कर दिया अब जो एनओ टू ग्रुप होता है याद रखना है, ये क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की वजह से जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है हमारा बॉन्ड वीक हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनओ टू की तरफ वो खींच रहा है तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड वीक होता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाती है ईसी हो जाती है ठीक है अगर देखा जाए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट ये करेक्ट रीजन नहीं है एजर्शन का करेक्ट रीजन होना चाहिए था कि पार्शल डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है लेस रिएक्टिव होता है सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है एजर्शन दिया हुआ है केसीएन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनाइड सपोज आपके पास है मिथाइल क्लोराइड और अगर आप के सी एन के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपका बन जाता है सी एच थ्री सी एन न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन है साथ में के सी एल तो आपका बनता है मिथाइल साइनाइड तो ये जो ऑप्शन है और जो एजर्शन है दैट इज रॉन्ग मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं बनता हमारा मिथाइल साइनाइड बनता है रीजन की बात करेंगे सी एन नेगेटिव इज एन एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल तो याद रखना ये जो रीज़न है करेक्ट है जो सी एन नेगेटिव है वो क्या कर सकते या तो कार्बन वाली तरफ से न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन शो कर सकता है या तो नाइट्रोजन वाली तरफ से शो कर सकता है तो वो क्या कर सकता है कोई भी दोनों तरफ से वो कंबाइन कर सकता है सो तो इसे हम एम्बीडियट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं ठीक है तो हमारा एजर्शन रॉन्ग है रीज़न इज करेक्ट तो इसका जो ऑप्शन नंबर फोर है एजर्शन इज रॉन्ग बट रीज़न इज द करेक्ट स्टेटमेंट आई होप आपको हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स के एम सी क्यू समझ आए हो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बाकी चैप्टर्स के ही बनाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय